हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं इसी हूँ। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे प्लांट्स शेयर करने वाली हूँ जिनको आप अभी से लेकर के जुलाई तक बहुत ही अच्छे से सीड से ग्रो कर सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा रेनी सीजन में बहुत ही अच्छे उनमें फ्लावरिंग भी होती है। तो कुछ ऐसे प्लांट आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो लास्ट तक बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। मेरे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। देखिए कितना प्यारा सा बड़ा सा फ्लावर आया हुआ है मेरे हिबिस्कस में, और बारिश का पानी इनको कल मिल गया था। कल बारिश हुई थी हमारे यहाँ थोड़ी सी, बहुत अच्छी हेल्दी। आज मैंने यहाँ पे साड़ी का जो कवर था वो भी नहीं लगाया, तो बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे फर्स्ट मैं आपको दिखा रही हूँ हाइब्रिड विन का। हाइब्रिड विन का को अभी आप सीड से ग्रो कर सकते हैं, बहुत ईजिली ग्रो हो जाते हैं और बहुत हेल्दी से प्लांट। अगर आप सीड से ग्रो करते हैं तो बहुत ही हेल्दी से प्लांट तैयार होते हैं आपके गार्डन में। बस थोड़ा सा ये है कि बारिश के पानी से इनको बचाना पड़ता है, नहीं तो बहुत अच्छी है, पूरे परमानेंट प्लांट की तरह होते हैं, पूरे साल इनमें फ्लावरिंग होती है। लेकिन जो रेनी सीजन में इनके प्लांट का हेल्थ है, इनके फ्लावर का साइज़ है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा निखर करके आता है। बहुत बिग साइज़ के इसमें फ्लावर आते हैं, बाकी टाइम तो इनमें छोटे छोटे से फ्लावर आते रहते हैं, लेकिन जो रेनी सीजन में है तो बहुत ही बिग साइज़ के फ्लावर इसमें आते हैं। तो अब जैसे ही टाइम इनका आने वाला है तो आप इसको सीड से बहुत ही ईजिली ग्रो कर सकते हैं, और चाहे तो आप इसकी पौध भी ला सकते हैं। आपको पौध भी इसकी नर्सरी मिल जाएगी 10 रुपीज़ की, तो आप उसको भी ला करके लगा सकते हैं, या तो फिर आप इसको सीड से इस समय ग्रो कर सकते हैं। सेकंड नंबर पर है मैरीगोल्ड। आप मैरीगोल्ड को अभी सीड से ग्रो कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट है। आप इसके जो पूजा में फूल लेकर आते हैं उससे भी इनको ग्रो कर सकते हैं, और अगर आपके पास इनके प्लांट लगे हैं तो आप इनकी कटिंग भी लगा सकते हैं। तो बहुत ही आसानी से सीड से ग्रो होने वाला प्लांट है, जो कि बेहद खूबसूरत फ्लावर होते हैं इसके, तो आप इस समय मैरीगोल्ड को ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, ये है गोमफेरना का प्लांट। तो इस समय आप गोमफेरना को भी सीड से ग्रो कर सकते हैं रेनी सीजन में। वैसे तो समर में भी बहुत अच्छे से चलते हैं, लेकिन रेनी सीजन में भी आप इसको सीड से ग्रो करके अपने गार्डन में रख सकते हैं। बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। इसमें ड्वार्फ वेराइटी और मतलब कि हाइब्रिड और देसी दोनों आते हैं, तो जो हाइब्रिड होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है, तो आप कोई सा भी ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, ये है कॉस्मोस। आप इस समय कॉस्मोस को भी सीड से ग्रो कर सकते हैं। ये भी लगभग पूरे साल ही चलते रहते हैं प्लांट, बस एक प्लांट ख़राब हो जाता है तो उसी के प्लांट से, उसी के सीड से आप न्यू प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके गार्डन में पूरे साल बने रहते हैं ये प्लांट, तो आप इनको भी ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, जीनिया को आप ग्रो कर सकते हैं इस समय। जीनिया भी थोड़ा सा मतलब थोड़ी सी बारिश, अगर बहुत कम बारिश हुई तो बहुत अच्छे चलते हैं। वैसे हर साल ही परमानेंट प्लांट है, पूरे साल ही चल जाता है। उसके बाद देखिए, ये बालसम। आप बालसम को भी इस समय सीड से ग्रो कर सकते हैं। बारिश के सीजन का बहुत ही सुंदर, बेहद खूबसूरत सा प्लांट है, बहुत ज़्यादा हैवी फ्लावरिंग भी करता है और बहुत सारे कलर भी इसमें अवेलेबल हैं, तो आप बालसम को भी इस समय ग्रो कर सकते हैं सीड से। उसके बाद देखिए, ये है कॉक्सकॉम। आप इस समय कॉक्सकॉम को भी ग्रो कर सकते हैं। इसमें आपको देसी और हाइब्रिड दोनों वेरायटी मिल जाएगी। देखिए कलर बहुत सारे इसमें आते हैं। उसके बाद ये है अपराजिता। आप इस समय अपराजिता को भी सीड से ग्रो कर सकते हैं। मेरे गार्डन में तो अपने आप ही ग्रो होता रहता है। इसकी जो कॉमन वेरायटी है ब्लू वाली, वो हर जगह मिल जाती है, वाइट वाली थोड़ी सी मतलब कम ही मिलती है। और इसमें सिंगल पेटल, डबल पेटल दोनों तरह के फ्लावर आते हैं। डबल वाला बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है, तो आपके पास जो भी सीड हो आप उनको ग्रो कर सकते हैं। तो एक वाइन होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत, रेनी सीजन में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। उसके बाद देखिए, ये है साइप्रस वाइन। तो साइप्रस वाइन को भी आप ग्रो कर सकते हैं इस समय सीड से। एक बार अगर आपने इसको अपने गार्डन में लगा लिया तो पूरे साल आपके गार्डन में हमेशा बनी रहेगी। जब भी इसके सीड सीजन आएगा, बारिश का पानी गिरेगा, तो ये अपने आप ही ग्रो हो जाते हैं, तो आप इनको भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, इस समय ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल से प्लांट होते हैं, फ्लावर होते हैं। उसके बाद ये देखिए, ग्लाडिया। आप ग्लाडिया को भी सीड से ग्रो कर सकते हैं। इसको भी आपको सिर्फ एक बार अपने गार्डन में लाने की ज़रूरत होती है, उसके बाद आप इसको, इसके सीड से हमेशा आपके गार्डन में अपने आप ही ग्रो हो जाते हैं। तो इस समय इसको भी आप सीड से ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर और हेल्दी से प्लांट होते हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत फूल इसमें आते हैं, तो आप इनको भी ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद ये देखिए, ये है गुले अब्बास या गुलाबास बोलते हैं। कई सारे कलर होते हैं, कॉमन कलर जो होता है इसका रानी पिंक कलर होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होता है। और वैसे तो वाइट, येलो और मजेंटा, रेड कलर भी आता है कहीं कहीं पर ज़्यादातर इसका पिंक कलर ही देखने को मिलता है। येलो भी दिख जाता है कहीं पर, लेकिन वाइट और रेड कलर कम ही देखने को मिलते हैं। तो बस फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक।